नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके हम चैनल नट्स ऑफ मैथ्स में। प्यारे बच्चों, आज हम लेकर आए आप लोगों के लिए एक सी प्रोग्रामिंग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो है ना आपके, ये काफी अच्छा एक मैटर है। मतलब हम आपसे ये तो नहीं कह सकते कि बच्चों ये सी प्रोग्रामिंग ऐसे करनी है वैसे पढ़नी है। आपने चैनल पर सब कुछ पढ़ लिया होगा, उम्मीद करता हूँ। आपके एग्जाम की डेट भी आ चुकी है, जैसे आपको पता है जो मत्स्य इंस्टीट्यूट वाले बच्चे हैं उनका 20 अप्रैल से एग्जाम स्टार्ट हो गए थर्ड ईयर वालों के, और उसके बाद फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, जैसे आपने टाइटल देखा होगा। तो अब टाइम ज़्यादा है नहीं, आज डेट है 7 अप्रैल, तो मैक्सिमम आपके पास 10 से 12 डेज ही है। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छी से अच्छी तैयारी आप कर रहे होंगे। तो सी प्रोग्रामिंग जो थर्ड वाले बच्चों को लगता है कि एक तो बहुत ही हार्ड है, खतरनाक है, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ। इस क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होने वाले, इन क्वेश्चनों को मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, हम लोग ये नहीं कर रखे हैं तो ये क्वेश्चन आपको मैं करवा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कौन कौन से हैं, कि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के मूल ज्ञात करने का प्रभाव संचित्र यानी कि फ्लो चार्ट बनाना है, एक फ्लो चार्ट बनाना है हमारे को। ठीक है, अगला है हमारा राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस एक्स करेक्ट अप टू 4 decimal places फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एक्स। ये कॉस एक्स का प्रसार है और उसका हमें एल्गोरिथम बनाना है। ठीक है, एल्गोरिथम कैसे बनाना है, डेफिनेशंस जो है वो, और सी प्रोग्रामिंग। मैं कह रहा हूँ आप ये अच्छे से कर जाओ ना तो 10-12 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले, इतना इजी पार्ट है। लेकिन आप लोग समझते ही नहीं हो, आप लोग सोचते हो कि बहुत हार्ड है, कैसे करेंगे, छोड़ जाते हो आप। ठीक है, तो छोड़ना नहीं है, मैं आपको करवा रहा हूँ 5-7 क्वेश्चन जो मैं आपको करवाऊंगा, इसमें से क्वेश्चन मिलेगा आपको जरूर। ठीक है, देखो क्वेश्चन में जो फोर्थ है वो तो कंटिन्यू 2 साल तक रिपीट हुआ है, 2021 में भी आया था, 2022 में भी आया है। ये क्वेश्चन क्या है कि एक सी प्रोग्राम में लिखना है फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ इंडिविजुअल डिजिट। हमें इंडिविजुअल डिजिट यानी कि कोई सी भी ए बी सी डी या ए दो तीन चार किसी का भी सम निकालना है, इंटीजर्स होनी चाहिए वो। ठीक है, बाय द यूज ऑफ व्हाइल लूप स्टेटमेंट। ठीक है, व्हाइल लूप बनता है जिसमें बार बार रिपीटेशन होता है, इसमें लूप बनता है, वो स्टेटमेंट से आपको ये बनाना है। ये आपको बताऊंगा, ये मैं सिखाऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। अगला है एक्सप्लेन द यूज ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट इन सी प्रोग्राम बाय गिवन एग्जांपल। दिए गए एग्जांपल से आपको इफ एल्स स्टेटमेंट बनाना है, इफ एल्स स्टेटमेंट का सी प्रोग्राम में क्या यूज आता है उसका एक एग्जांपल भी देना है। ठीक है, और इसमें जो सी प्रोग्रामिंग है मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई का सी प्रोग्राम बनाना है। तो ये सब जो क्वेश्चन है ना ये मैं आपको करवाऊंगा, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, और जो डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशंस कैसे, से ऑपरेटर क्या होता है, कांस्टेंट क्या है, एरे क्या है, ठीक है, फ्लो चार्ट क्या है, बताइए जो आपसे पूछा जा सकता है एक नंबर का, क्लियर। और आपसे पूछा जा सकता है कि वेरिएबल क्या होते हैं, क्लियर, अल्फाबेट्स में जो कैसे यूज किया जाता है, पूरा चैप्टर में आपको बताया है, नहीं बताया तो मैं भी आप डेफिनेशन आपको करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको पूरा देखेंगे, पूरा पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद तैयार होकर जाएंगे जब एग्जाम में, तो आपको मजा आएगा करने में। ठीक है, समझ में आ रही बात। इसके अलावा एक दो क्वेश्चंस और भी हैं जो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, एक एल्गोरिथम बनाना है, कैलकुलेट करना है एल्गोरिथम को, मतलब एल्गोरिथम बनेगा टू कैलकुलेट दी फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर, किसी भी दिए हुए नंबर का फैक्टोरियल निकालने का जो कैलकुलेट करने का जो एल्गोरिथम है वो बनाना है। सब क्वेश्चंस पी बाई क्यू हैं, पी बाई क्यू का मतलब प्रीवियस ईयर्स में से आए हुए सवाल है। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर है उसके क्वेश्चन हैं ये सारे, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार। ठीक है, ऐसा कुछ नया नहीं आ रहा है, सब कुछ रिपीटेशन जो हो रहा है वो पुराने में से हो रहा है, और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है।
एक क्वेश्चन और है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, आपको एल्गोरिथम बनाना है। ठीक है, अब लास्ट टाइम सिंपल इंटरेस्ट आ गया तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाए तो दिक्कत क्या आ रही है। एक बार सीख लिया, जो एक बार पता चल गया कि एल्गोरिथम कैसे बनते हैं तो आपको किसी का भी सवाल मिल जाए आप कर लोगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इन क्वेश्चनों को आप जरूर करके जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम इन सब का जो प्रूफ है, जो सॉल्यूशन है, वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो देखना मत भूलिएगा उसको, क्योंकि अगर एक बार उसको देख लिया तो आप 10 से 12 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।